चिकित्सा महाविद्यालय के ओरल पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने एड्स जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया। अभियान 29 नवंबर से शुरू हुआ था जो 6 दिसंबर तक चलेगा। 29 नवंबर को महाविद्यालय परिसर में स्नातक व स्नातकोत्तर छात्रों के बीच रंगोली प्रतियोगिता हुई। 30 नवंबर को ई पोस्टर व स्लोगन प्रतियोगिता हुई। प्राचार्य डॉक्टर देशराज जैन, डॉक्टर संध्या जैन, डॉक्टर विलास नवास्कर, डॉक्टर जया जोशी, डॉक्टर मधुविका पाटीदार ने छात्रों को पुरस्कृत किया। डॉक्टर मधुविका पाटीदार ने बताया कि 1 दिसंबर को पलासिया क्षेत्र में 80 छात्रों ने रैली, नुक्कड़ नाटक और गीत गाकर लोगों को जागरूक किया। 2 से 6 दिसंबर तक महाविद्यालय में इलाज के लिए आने वाले रोगियों को HIV के संबंध में जानकारी दी जा रही है। किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए, कैसे लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं? 1 दिसंबर को शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय में, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय के शिक्षक, स्टाफ, छात्र छात्राओं ने विश्व एड्स दिवस मनाया। उसके अंतर्गत हमने पोस्टर कंपटीशन किए, पेंटिंग कंपटीशन किए, रंगोली कंपटीशन किए, कविताएं की, गाना गाया, नुक्कड़ नाटक किए। इनके माध्यम से हमने आम जनता को एड्स के बारे में जानकारी दी कि एड्स के क्या लक्षण होते हैं, उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है, उनका क्या उपचार हो सकता है और उनसे कैसे अपन सावधानी बरत सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने जहाँ पर पब्लिक प्लेस जैसे 56 दुकान है, जैसे राजवाड़ा है, जैसे टॉरी कॉर्नर है, वहां पर हमारे छात्र छात्राओं, डॉक्टरों ने जाके नुक्कड़ नाटक, कविताएं और गानों के माध्यम से जागरूकता फैलाई। और इस संदर्भ में मैंने ये देखा कि जब छात्र छात्राओं से मैंने फीडबैक लिया तो उनको बड़ी आत्मसंतुष्टि हुई। उनका सर इस तरह की सोशल सर्विस करने से हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं आम जनता से भी ये निवेदन करता हूँ कि इस तरह के हमारे अभियानों में वो सहयोग करें जिससे कि हम जनता को ये प्राण घातक बीमारी है जो कि एक तरह से सामाजिक मृत्यु हो जाती है किसी इंसान की इस बीमारी से, उस बीमारी से बचाव के लिए, उपचार के लिए हम अभियान कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ के शिक्षक, छात्र छात्राएं बधाई के पात्र हैं और मेरे को उन पर गर्व है कि वो ये इतना अच्छा सामाजिक कार्य मानवता के लिए करते हैं। मैं डॉक्टर देशराज जैन, प्राचार्य शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर।